आपको पता है कि आचार्य चाणक्य साहब ने हम लोगों को बुरा बनने के लिए कहा है, और वो बुरा क्यों बनने के लिए कहा है, किन परिस्थितियों में बनने के लिए कहा है, उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहो। हमारे टीचर, हमारे मम्मी पापा यही सिखाते आ रहे हैं कि हमेशा अच्छे बने रहो, अच्छों के साथ अच्छा बनो और बुरों के साथ भी बुरा बनो, क्योंकि अगर बुरों के साथ तुम भी बुरा बन गए तो उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा। हमेशा सज्जन पुरुष बन के रहो, हमेशा अच्छा ही करो, ये वो। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जंगल में सीधे पेड़ अक्सर जल्दी काट दिए जाते हैं, और लातों के भूत बातों से तो कभी मानते ही नहीं। तो हमें मानना किनको चाहिए, वो सीधी वाली बात या टेढ़ी वाली बात? देखो, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही है। ज्यादा अच्छा बनना भी सही नहीं है, ज्यादा बुरा भी बनना सही नहीं है। इतने अच्छे भी ना बन जाओ कि लोग आपको खा जाए, निगल जाए गुड़ की तरह, और इतने बुरे भी, इतने कड़वे भी ना बन जाओ कि आपको खा ही ना पाए नीम की तरह। देखो, अच्छा भी बनो और बुरा भी बनो। ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग वैसे ही बुरा बना देंगे, तो क्यों ना हम खुद को ही बुरा बना दें? क्यों हम अपना काम छोड़ छोड़कर दूसरों का काम करें? क्यों हम अपनी अच्छाई छोड़कर, अपनी भलाई छोड़कर दूसरों की भलाई करें, जब एंड में हमको यही सुनना है कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो हम करें क्यों भला? तुम चाहे उनके लिए 100 काम कर दो, लेकिन जब एक काम नहीं करोगे ना, तो तुमको सुनाएंगे कि तू मेरे लिए कुछ नहीं करता, तू मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो 100 काम को भूल जाएंगे, लेकिन वो एक काम को जरूर याद रखेंगे। दुनिया बहुत बुरी है, अच्छे बनोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। पहले खुद के बारे में सोचो, खुद की भलाई करो, इस योग्य बनो कि आप दूसरों की भलाई कर पाओ, तब जाकर करो ना उनकी भलाई। खुद को इज्जत नहीं देते, स्वाभिमान नहीं है, खुद की भलाई नहीं करते और चले हो दुनिया को बदलने। मैं तो कहता हूँ कि किसी के लिए इतना भी मत झुक जाओ कि रिस्पेक्ट और गुलामी में कोई फर्क ही ना बन जाए। ये नहीं कि उस सामने वाला कुछ भी कह रहा है, आप उसकी बात माने जा रहे हो, अरे भाई क्यों, नौकर हो क्या तुम उनके? तो भैया यहाँ पर सोचो, थोड़ा समझो, विचारना जरूरी है कि ना ज्यादा अच्छे बनो ना ज्यादा बेकार। हमेशा समय के साथ बदलते रहो। पहले ये देखो कि समय क्या मांग कर रहा है, ये देखो कि सामने वाला इंसान कौन है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा पेश आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुरा है तो बुरे बनो। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और लोगों को ये पता चल पाए कि ज्यादा अच्छा बनना भी सही चीज नहीं है। और भाई अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटा था, उस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलना। घंटा दबाने से क्या होगा कि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहती है।